व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड स्वागत है आप सभी के एक बार फिर थग टॉक्स के एपिसोड 2 में। आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो आई एम प्रीटी श्योर आप सभी के दिमाग में होगा। एंड काफी बार आप लोग सोच रहे थे कि कोई आए और इस बारे में बताए। मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सारे ओपिनियंस मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, तो ऑब्वियसली आई नो सम ऑफ यू वुड डिसएग्री एंड सम ऑफ यू वुड अग्री। सो आई एम ऑलवेज अप फॉर हेल्दी क्रिटिसिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @itb_thug अगर आपने अभी तक नहीं किया, फॉर बीइंग अपडेटेड अबाउट कि अगर मैं आगे कभी भी ऐसे टॉपिक या पॉडकास्ट करूं तो। एंजॉय द वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ थग टॉक्स। फर्स्ट एपिसोड में हमने काफी इश्यूज डिस्कस किए थे जो उस टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट अभी हम लोग उन कुछ इश्यूज के बारे में अपने व्यूज शेयर करूंगा जो काफी लोग के माइंड में चलता है। एंड यू नो दिस इज समथिंग जो काफी लोग जानना चाहते हैं, तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो आप सभी का काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहता है, हाउ टू ज्वाइन अ टीम लाइक एडबर्ट और सोल और एनी अदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आज के दिन में इंडिया में पबजी मोबाइल का जो गेमिंग का सीन है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। पबजी मोबाइल एक ऐसा गेम है जो लास्ट 1.5 ईयर्स से ऑलमोस्ट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड वी आर क्लोजिंग इन ऑन 2 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो इसमें अब वो इतना इजी नहीं है कि इफ़ यू आर एन अंडरडॉग और इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्क्वाड, या आप एक ऐसी स्क्वाड हो जो अभी तक यू नो टॉप लेवल पे नहीं आ सके हो, तो इट्स नॉट इजी कि आप डायरेक्टली किसी स्पॉन्सर को टारगेट करो या डायरेक्टली आपको कोई आके कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन पबजी मोबाइल टीम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दिया, लॉट ऑफ पबजी मोबाइल टीम्स जो प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड है उन लोग आके आपको पिकअप करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज परफॉर्म। बिलीव मी, परफॉर्मेंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मैं जानता हूँ काफ़ी ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो आके सुपर चैट्स करते हैं, यूट्यूबर्स को पूछते हैं, मुझे भी करते हैं कि यू नो आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर टीम, आई वॉन्ट टू ज्वाइन एट बिट, बट बिलीव मी ऐसा कोई तरीका ही नहीं है दैट अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट या अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस आप लोग ऊपर नहीं आ सकते हो। इफ़ यू सी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, लाइक अगर आप मेरी टीम की बात करो या इफ़ यू टॉक अबाउट अदर टीम्स एज वेल इन इंडिया, सारे टीम्स में जो भी प्लेयर्स आया उनका आपने नाम नहीं सुना होगा, लाइक आप उनके नाम स्टार्टिंग से नहीं सुने होंगे। सो हाउ डिड दे रीच अस, हाउ डिड वी रीच आउट टू देम, दिस वन सिंपल थिंग, उन्होंने ग्राइंड किया, उन्होंने मेहनत किया, एंड उन्होंने अपने कभी ऐसा आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पे दिखाया जिसके वजह से हम उनके नजर में आया। सो बेसिकली इट्स वन सिंपल थिंग, इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, देन सिर्फ आपके बात से कि आई एम वर्किंग हार्ड या आई एम वर्किंग दिस वे, मैं इतने देर ग्राइंड कर रहा, डज नॉट मैटर, बिकॉज अब सीन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना आगे आ चुके हैं हम कि अंडरडॉग्स को चांस देने के लिए नीड टू शो अस दैट मेटल कि आप लोग उस कैलिबर के हो, कि आप लोग उस लेवल का गेम पे खेल सको, आप लोग टॉप लेवल पे कंपीट कर सको। सो देयर इज वन सिंपल थिंग, इफ द वन आंसर, वन लाइन आंसर की अगर मैं बात करूं हाउ टू ज्वाइन अ टीम लाइक एडबिट और सोल, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म, परफॉर्म करो। बिकॉज आप देखो काफी सारे ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं, PMIS वाज एन ओपन टूर्नामेंट, PMG वाज एन ओपन टूर्नामेंट, PMPL वाज अल्टीमेटली एन ओपन टूर्नामेंट का एंड रिजल्ट। सो ओपन टूर्नामेंट्स में यू अल्टीमेटली नीड टू परफॉर्म। अगर आपके बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास स्क्वाड अच्छी नहीं होती बट दे स्टिल गेट सिलेक्टेड, अ फाइन एग्जांपल वुड बी 8bit Gyrogod, रिसेंटली वी पिक्ड अप Gyrogod on this simple basis. Mujhe batao, player mein skill hai but he did not have a good squad and right now he's in 8bit. So there are a lot of other players jinke paas ye hota hai ki you know aap log jaise puchte ho mere paas squad achhi nahi hai. So aisi baat nahi hai, dekho aapko kahin to shuru karna hoga, kahin pe aapko khud efforts leke shuru karna hoga, and if you are actually talented ya skillful so you will definitely make it to the top. ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सो दिस इज समथिंग जो आप जनरल ऑडियंस को इतना नहीं मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, बट दिस इज ऑल्सो फॉर माय एग्जिस्टिंग कोलीग्स एंड ऑब्वियसली जनरल ऑडियंस जो आगे जाके आप लोग चाहते हो कि आप करियर चूज करना चाह रहे हो। शुड यू बिकम अ ईस्पोर्ट प्रोफेशनल, आपको गेमिंग प्रोफेशनली करना चाहिए या कंटेंट क्रिएट, या आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करना इज गॉन वेरी डिफिकल्ट। वी हैव सीन इट इन हिस्ट्री, यू नो लाइक आप पास्ट भी कंसिडर करो, देर आर बीन प्लेयर्स लाइक लेजेंड्स लाइक श्राउड, या आप बोल सकते हो या इवन निंजा हिमसेल्फ, दोनों जन इन लोग देवर प्रोफेशनल प्लेयर्स इन द पास्ट, बट दे हैव लेफ्ट कॉम्पिटिटिव एंटायरली टू फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन। एंड ऑल्सो देर आर क्रिएटर्स लाइक स्काउट मॉडल इन इंडिया जो कंटेंट क्रिएटेशन के साथ ई स्पोर्ट्स को ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करो, आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप एक, आपको हमेशा एक रास्ता चूज करना चाहिए। यू कैन नॉट क्रिएट कंटेंट एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर प्लेइंग योर गेम प्रोफेशनली। देखिए किसी भी गेम को प्रोफेशनली खेलने के लिए यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। एवरी इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर जो टीयर 1 में खेला, बिलीव मी ईच ऑफ देम आर स्पेंडिंग 8 to 10 hours ऑफ देयर डे प्लेइंग द गेम इन कस्टम स्क्रिम्स प्रैक्टिस बोलो टूर्नामेंट्स, ये सब कुछ कुछ होते रहते हैं, एंड देन गेटिंग दैट एनर्जी टू गिव योर ऑडियंस द क्वालिटी कॉन्टेंट दैट दे नीड, इट्स ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट। सो मेरे यहाँ पे दो तीन
crucial points which I think every one of you, each one of you and the existing players should consider when they want to decide कि हमें content creation को अपना future रखना चाहिए या अब हमें एक game को professionally खेलना. So the few points could be, if you are deciding कि मुझे game को professionally खेलना है, आप ये देखो कि उस game के competitors कौन है, उस game का longevity कितना है, what is the life of that game. अगर आपको लगता है कि वो game 2 साल ही है, तो believe me, आज से 1 साल बाद audience interest lose करना शुरू कर देगी and towards the end, जब वो game die off होना होगा, आप opportunities एकदम खत्म हो जाएंगे. But yes, if that game, if you see कि उसके 7 से 10 साल तक life है, तो obviously you might want to stick to the same game. मतलब you can choose to stay professional. Also, second thing is definitely earnings. अगर आप देख रहे हो कि you are making good amount of money, because believe me, tournament earnings are not the only thing. Salaries matter a lot, because हर tournament में to crack that hashtag one spot, it's not easy. So a professional player should also ensure कि you know आपका salary या whatever you are making out of playing the game professionally, it's consistent and it's enough जो आपको एक future plan करने में और आपको survive करने में help कर रहा हो. कि आपका जो cost है, at least you know the time that you give, you are being rewarded. You know. Justifiably, मतलब justified, whatever you are getting paid is justified. Third point, if you are talking about a game, then आपको देखना चाहिए कि क्या interest दिखा रहे हैं सारे बड़े teams, because किसी भी game को एक exponential level पे professionally या esports wise grow करने के लिए the interest of tier 1 organizations are must. अगर आप PUBG Mobile की बात करें, there are globally so many tier 1 organizations जो you know game इस game में professionally interest दिखा रहे हैं. Then the fourth point is definitely कि developer interest क्या है. This is something जो थोड़ा critical part है, but like अगर आप हम बात करें PUBG Mobile और Tencent की, तो Tencent shows a huge interest. उनका community communication is amazing and then they do a lot of stuff to promote esports. So these are a few factors that make PUBG Mobile a very good game to you know go into esports. Like you can continue playing it professionally, but at the same time there are a lot of other games like jiska maine suna, I obviously don't want to name because this is not a sponsored video, but then still you know agar aap dusre games ki baat karte, there are a lot of games jisme professionals hamesha complain karte rehte hain ki there is not much communication with the developers, you know, and tier 1 organization interest dikhate bhi, even they fail to reach out to the game. So I believe agar aap game ko professionally खेल रहे हो एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू बीइंग ओनली अ गेमिंग प्रोफेशनली आप ईस्पोर्ट्स परस्यू करना चाहते हो ओनली, देन प्लीज बी अवेयर ऑफ द गेम के अराउंड क्या चल रहा है, व्हाट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, कंपनी में क्या चल रहा है, डेवलपर्स का इंटरेक्शन कैसा चल रहा है, व्हाट द प्रोज आर कंप्लेनिंग, आपकी बातें सुनी जा रही है नहीं. मतलब कि आपको यू नो एज अगर आप किसी गेम को अपनी पूरी टाइम दे रहे हैं, इफ यू वांट टू मेक इट योर करियर, यू नीड टू हैव दैट इंटरेक्शन. आप एक सिंपल सी बात समझो, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड उस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से आपकी बातचीत ही नहीं है या इंटरेक्शन नहीं है, देखो बातचीत नहीं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग देयर इज नो कम्युनिकेशन, देन ऑब्वियसली यू नीड टू रीकंसिडर योर चॉइसेस. एंड यहां पे आई एम नॉट जस्ट वांटिंग टू पॉइंट आउट जस्ट टू PUBG Mobile, दिस इज माय लाइक ओपन थिंग जो काफी प्लेयर्स यू नो अगर देखो जो एक्सपीरियंस होता है उनको पता है कि डेवलपर इंटरेस्ट इज मस्ट, कम्युनिकेशन विद द डेवलपर इज मस्ट. सो गाइस अगर आप लोग प्रोफेशनली परस्यू कर रहे हो, मेरे जो भी कॉलीग्स हैं, जो भी प्लेयर्स मेरे अंडर खेलते हैं, दूसरे टीम्स के लिए खेलते हैं, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, डू ट्राई टू एंश्योर एंड थिंक ओवर इट. ऑल्सो गाइस अब मैं बात करता हूँ कि वाई शुड वन चूज स्ट्रीमिंग एज अ करियर. I believe current scenario अगर आप देखो and given the reason कि a lot of people abroad in the west जहाँ से एक gaming का culture majorly adopt हुआ है, people are switching from games from playing the game professionally to becoming a content creator full time. But yes, अगर आप एक चीज सोचो तो who are doing it? Big names like Ninja Shroud और maybe Courage और maybe Tim the Tatman और Justin, तो इन सब पे एक reason है कि you know they have been, उन्होंने पहले नाम कमाया professionally, फिर उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में गया. सो ऑब्वियसली दे हैड दैट बैकिंग इन देयर माइंड. उसके बाद उन लोग दे न्यू कि यस कंटेंट क्रिएशन ऑब्वियसली ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी, दे ब्रिंग्स इन एंडोर्समेंट, ब्रांड डील्स एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ, तो आप ऑब्वियसली फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन सके थे उन लोग. बट एट द सेम टाइम इफ यू सी कंट्रास्टिंग ऑप्शन, हमारे इंडिया में कैरी मिनाटी हैज नेवर प्लेड अ गेम प्रोफेशनली फ्रॉम ऑल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खेला भी है तो लाइक एट द वेरी बिगनिंग ऑफ करियर, माइंड बी आर नॉट रियली श्योर, बट देन इफ यू सी ही प्लेस एवरी गेम दैट ही फील्स लाइक, वो अपने ऑडियंस को ही प्लेस गेम्स लाइक एज एन एंटरटेनर, तो उसमें ऑल्सो is doing great. Like he has a 4.4 almost a 4.5 million channel and he is so successful right now. So but why Kerry Minati is so successful and why maybe a creator jo you know esports और स्ट्रीमिंग दोनों कर रहे हैं, वाई दैट पर्सन नॉट सक्सेसफुल, बिकॉज कैरी मिनाटी कैन गिव सो मच टाइम इन टू डिसाइडिंग वॉट कंटेंट ही नीड्स टू. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्टल जॉनी और स्काउट, तो इन तीनों प्लेयर्स को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 10 घंटे गेमिंग के बाद कितना ही टाइम मिलता है. लाइक आई एम सुपर क्लोज टू दिस गाइस, आई नो कि दे आर
they get so tired कि उन लोग streaming करते हैं with this mindset कि audience wait करिए, let's just stream and let's just play the that particular game. They don't even get time to diversify. तो अगर जब हम लोग एक streamer की बात करते हैं, you are not just a streamer. When you're talking about a content creator, if you're a content creator, you need to create content. You just not need to ensure कि आपके game में एक screen चल रहा है जिसमें आप चार पांच आप रोज एक ही same चीज कर रहे हो. To call yourself a content creator, you need to come out and create such content जो पूरी audience देखना चाहे, जिसके लिए I believe it requires a lot of time. But yes, उसके भी pros and cons है. Simple सी बात है, you know, हर content creator का life में एक peak आता है, एक lows आता है. And आप अपने peak को अगर, you know, every content creator fails, like हर content creator not जरूरी नहीं है कि वो अपने peak को realize कर पाएगा. And अगर वो realize नहीं कर पाता, that means that content creator का future बहुत dark होता है. We have a lot of results, obviously I would not want to name them, but a lot of people जिन्होंने अपने peak को realize नहीं किया, but they could not make a big deal out of their content creatorship. So content creation में obviously बहुत risk रहता है, आपको उतना नाम शोहरत नहीं मिल सकता जितना यू नो आप जिसको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो. सो ऑब्वियसली उसमें भी रिस्क रहता है, बट कंटेंट क्रिएशन आई बिलीव इफ यू आर इन इंडिया राइट नाउ, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कंटेंट क्रिएशन हैज अ लॉट ऑफ मनी इन इट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट की इंडिया में ब्रांड्स के गेमिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है. सो ऑब्वियसली अभी तक इंडियन ब्रांड्स का ये मेंटालिटी नहीं हुआ कि दे गो अहेड एंड यू नो स्पॉन्सर एन ई स्पोर्ट्स टीम, बट इट्स अ हार्श रियलिटी गाइस कि दे वुड ऑब्वियसली गो अहेड एंड स्पॉन्सर अ यूट्यूबर रादर देन स्पॉन्सरिंग अ यू नो ई स्पोर्ट्स टीम और मे बी एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर. सो ये चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए. बट येस एट द लॉन्ग रन आप देखो, आई सी 3 or 4 years डाउन द लेन दोनों ही चीज दे विल गो हैंड इन हैंड, दोनों ही चीज को एग्जिस्ट करेंगे. देयर गोना बी लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक मी और 8-bit मामा जो सिर्फ कंटेंट क्रिएट ही करें, अभी हमारा प्रोफेशनली गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट वी आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट. सो हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं, यू नो देयर इज एन इकोसिस्टम, को एग्जिस्ट करते हैं. बट आप एज अ पर्सन इफ यू आर डिसाइडिंग टू चूज गेमिंग एज अ करियर, आई बिलीव मैं आगे के सारे लोगों को ये बोलना पड़ेगा, दोनों चीज मत करो. Either be a professional gamer or be a streamer for one simple reason. मतलब it's not because of the audience, it's because of yourself. आप अपने life में focus कर पाओगे and you would be able to get maximum results out of it. Yes, I know आप लोग मुझे comments में इस चीज में argue कर सकोगे कि Scout, Mortal and Jonathan they are doing everything so perfectly well and उनका सब कुछ सही जा रहा है. But believe me, like मेरा ये मानना है, I think that and I don't think I am wrong here कि अगर ये तीन player या कोई भी ऐसे player जो professionally खेलते हैं and they are streaming 4 दिन कस्टम नहीं खेल के, स्ट्रीम्स नहीं करके, दे आर स्ट्रीमिंग एकदम फ्रेश माइंड से, द एनर्जी, द जो क्रिएटिविटी आप उनके दिमाग में देखोगे वाइल दे आर स्ट्रीमिंग, इट्स गोना बी नेक्स्ट लेवल. सो दैट्स व्हाई आई से कि यू नो कंटेंट क्रिएशन एंड स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन एंड ई-स्पोर्ट्स आर टू डिफरेंट लाइंस. एंड आई बिलीव लॉन्ग टर्म में यू नो सब लोग को ये डिसाइड करना चाहिए वेदर दे वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट फुल टाइम और दे वॉन्ट टू प्ले प्रोफेशनली. येस दोनों चीज को एग्जिस्ट कर सकता है, बट आई वुड ऑलवेज प्रीच कि एक लाइन चूज करो, या अभी अगर दोनों कर रहे हो थोड़े दिन बाद जाके एक लाइन पर फोकस करो, सो दैट यू कैन गिव द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ एंड यू गेट व्हाट यू डिजर्व. ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी लोग मुझसे पूछते रहते हो, हाउ टू बिकम अ कॉम्पिटेटिव प्लेयर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, देर इज नो गाइडलाइन जो मैं आपको दूं कि कॉम्पिटेटिव प्लेयर कैसे बनते हैं. लेट्स स्टार्ट विद माई स्टोरी. मैंने कॉम्पिटेटिव कब जब भी खेलता था मैं, दैट इज बैक इन 2018. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मैंने यू नो इन गेम या उस टाइम आई गेस फेसबुक पे कहीं पे देखा था कि देयर वाज दिस पीएमएससी पबजी वर्स स्टार चैलेंज कमिंग अप. एंड व्हाट डिड आई डू? आई जस्ट वेंट अहेड. मेरे 3 दोस्त थे गेम में, जो मैं गेम में रेगुलर कैजुअल क्लासिक्स खेलता था उनके साथ, उनको बोला चलो यार ये टूर्नामेंट खेलते हैं. एंड वी साइंड अप एंड वी वेंट अहेड एंड वी मेड इट टू द पीएमएससी 2018 एशिया फाइनल्स. And that was the start of my and many other competitive players. And वो competitive players तो आज भी खेल रहे हैं. And that's how आज के दिन they are known as the professional players. They are termed as professional players in India. Let's talk about Mortal. Mortal ने कैसे start किया? He was invited for an event called DreamHack in the year of 2018 in the month of December. Mortal वहाँ पे आया and वहाँ पे एक game हो रहा था PUBG Mobile का normal. उसने वहाँ पे participate किया and rest is history. Guys, competitive player एक टर्म है जो आपको सिर्फ डराने के लिए बना गया है. ऐसा कुछ नहीं होता. यू बिकम अ कॉम्पिटेटिव प्लेयर एज सून एज यू साइन अप फॉर अ कॉम्पिटिशन. यू बिकम लाइक जैसे हम लोग छोटे में करते थे ना, स्कूल में फैंसी ड्रेस हुआ, टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन अगर ज्वाइन किया, बिकम अ पार्टिसिपेंट. इफ यू ज्वाइन अ कॉम्पिटिशन, यू ज्वाइन बिकम अ कॉम्पिटेटिव प्लेयर. बट उसमें आप कौन से लेवल के कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो, डेट ऑब्वियसली डिसाइडेड बाय योर स्किल सेट, योर डेडिकेशन, योर यू नो आप कौन से टीयर पे खेल रहे हो, विच टीम आर यू प्लेइंग विद एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. बट
द वेरी सिंपल थिंग कि कंपटीशन कैसे करना है, कैसे कॉम्पिटिटिव प्लेयर बने, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग का जो दरवाजा है वो बंद दरवाजे को खोलो, टूर्नामेंट के लिए साइन अप करो, ये वीडियो के बाद जाओ अपने तीन क्लासिक दोस्त जिनके रोज क्लासेस खेलते हो फटाफट PMIS साइन अप करो, अगर उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, अदरवाइज और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, गो साइन अप राइट अवे एंड That is your chance to become a competitive player. Guys, these were a very few basic points जो मैंने address किया. आपको कुछ भी doubt हो, if you want me to, जो particular topics you want me to address, comment section में let me know and I'll be answering them in the coming episodes. अगर आपको ये video अच्छा लगा, don't forget to hit the like and sub button. See you guys in the next episode.